जय गो माता, वंदे गो मातरम। मित्रों, एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहता हूं मैं जिन्होंने 18 साल की आयु में देश के किसानों के हित के लिए देश के गोपालन की चिंता की है। ऐसे एक युवा रोजगार निर्माण करने वाला व्यक्ति राम परमार, जो उज्जैन से मेरे पास आए हैं, काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा और पारिवारिक रिलेशन है अपने। और ऐसे व्यक्ति देश के लिए, गोपालन के लिए, किसानों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। गोपालन करके ही आप गोसेवक कहलाते हो और गोपालक कहलाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहाँ पे हो, जिस फील्ड में हो, वहाँ से आप गोपालन से जुड़ सकते हो। तो आइए, आपका पूरा परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम राम परमार है और मैं मध्य प्रदेश उज्जैन का निवासी हूँ। आज से लगभग 2 से 3 साल पहले हमने फार्मर्स चॉइस को स्टार्ट किया और आज लगभग फार्मर्स चॉइस पर 6.5 लाख सब्सक्राइबर हैं और आज हम किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। आपका एजुकेशन क्या है? जी, मैंने बीकॉम कर रखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। घर में पापा मम्मी क्या करते हैं? जी, शुरुआत खेती से की और आज गोपालन भी कर रहे हैं। तो ये यूट्यूब आप कब से चला रहे हैं? लगभग 2 से 3 साल हो चुके हैं यूट्यूब में और चैनल को काफी टाइम पहले स्टार्ट किया था, पर रेगुलर 2 से 3 साल। मतलब इससे इनकम हो जाती है आपको, सैलरी जैसा? मतलब बिल्कुल, शुरुआत छोटे स्तर से हुई थी पर आज के समय में काफी चीजें हैं, जैसे कि यूट्यूब में सिर्फ एड ही रेवेन्यू नहीं देते हैं। आज अगर आप अच्छे मुकाम पे हैं यूट्यूब पे तो बड़ी बड़ी कंपनियां भी आपको अप्रोच करती है। अभी अगर रिसेंट की बात करूं तो अपोलो कंपनी के साथ में भी हमने काम किया है, कोटिवा के साथ में भी काम किया, जो कि काफी बड़े ब्रांड है। और इस सिर्फ 1-2 मिनट की वीडियोस के लिए, कुछ स्टोरीज के लिए वो आपको लाखों में रुपए देते हैं। बहुत बढ़िया। तो आपकी इनकम का सोर्स भी हो गया, इनकम का सोर्स। और आप जो इन्फॉर्मेशन देते हो जी, जो देश भर से अलग अलग जगह से ढूंढ ढूंढ के लाते हो, बिल्कुल, उसमें क्या होता है वो मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, YouTube पे ऐसा रहता है कि अगर आप इन्फॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, आप कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो वो एक बहुत आगे जा सकता है। वो उस चीज के ऊपर अगर कोई लोग सर्च करके देख रहे हैं तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। YouTube का सेम एक ही रूल रहता है कि जितना आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जितनी लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, आप 10 मिनट की वीडियो बना रहे हैं, 8 से 9 मिनट अगर आपकी वीडियो अगर लोग देख ली तो आप बहुत आगे जा सकते हो YouTube पे। तो वो हुई YouTube की बात, लेकिन YouTube के माध्यम से आप देश के युवाओं को, किसानों को, गोपालकों को अच्छी अच्छी जानकारियां, जो सफलता की स्टोरियां, मोटिवेशन, बिजनेस बेनिफिट, किसानों की प्रोडक्ट बेचना, बिकवाने का प्रयास, ये सब काम आप डालते हो, राइट? बिल्कुल। और उससे आपको मानसिक संतुष्टि मिलती है, बहुत ज्यादा। मम्मी पापा सब खुश है? बहुत खुश है। बहुत बढ़िया। तो एक मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ राम परमार के माध्यम से कि उन्होंने 18 साल की आयु में गोपालन की चिंता की, किसानों की चिंता की, देश के युवाओं की चिंता की और इसी प्रकार से उन्होंने एक सोशल मीडिया को रोजगार बना के, ये रोजगार का रोजगार हो गया और उससे जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके देश का, किसान का भला होता है, गोपालक का भला होता है और खुद का एक खर्चा निकल जाता है, मतलब सैलरी की तरह हो जाता है। तो ऐसे होनार युवा देश के लिए काम करते हैं तो मैं तो ये कहूंगा कि आपको भी करना चाहिए। और आप भी ऐसे यूट्यूबर तो ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजों से आप गोपालन और कृषि से जुड़ सकते हो। आगे आपका क्या विजन है? देखिए, विजन हमारा ऐसा है कि आपने देखा होगा यूएस के अंदर, विदेश अगर आप जा रहे हो, आज भारत में क्या समस्या है, लेबर नहीं मिल पा रहे हैं, बड़े बड़े डेयरी फार्म ऐसे बंद हो रहे हैं, उनकी लाइन लगी हुई बंद होने के लिए, पर हम अगर मशीनरी ला पाए तो इस डेयरी बिजनेस को एक थोड़ा बहुत भी अगर ऑटोमेशन बना दें तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आज अगर आप देखोगे इतनी डिमांड है और उसमें अगर आप ऑर्गेनिक अगर बना सकते हो तो इसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, विदेशों में इतनी डिमांड है, तो आप ऑर्गेनिक का भी प्रचार करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ऑर्गेनिक के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस रहता है, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक ही मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य है। और जो किसान गाय आधारित खेती करते हैं उसको भी अपने चैनल में स्थान देते हैं? बराबर। और जो किसान अच्छा गोपालन करता है उसको भी स्थान देते हैं? जी जी, उनके फार्म पर जाकर लगभग 1000 किलोमीटर, 800 किलोमीटर ट्रेवल करके कार से उनके यहाँ पर हम जाते हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्या क्या तकलीफ उनको आई, कैसे उनने उसका सामना किया, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो फॉर्म में कलेक्ट करके हम फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब के अलावा भी हमारे 3-4 प्लेटफॉर्म और हैं,
जहाँ पर इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करते हैं। अभी शॉर्ट वीडियोस के भी काफी सारे लोग डिमांड करते हैं, तो उसमें भी हम फोकस रख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। गाय से जुड़ने के कई अनन्य तरीके हैं। यदि आप युवा और सोशल मीडिया लिस्ट है तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से गोपालन से जुड़े। यदि आप कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जो गोपालन और खेती में चलते हैं, उसके माध्यम से गोपालन गाय और खेती से जुड़ सकते हो। यदि आप अच्छा मार्केटिंग करते हैं तो उसके माध्यम से गाय और खेती से जुड़ सकते हो। यदि आप एक गो सेवक है, सेवा भावी वृत्ति वाले इंसान है, तो भी गो सेवा से जुड़ सकते हो। यदि आप अच्छे से अच्छे बिजनेसमैन है तो पंचगव्य उपयोग करके आप गो सेवक बन सकते हो। गो सेवक, गोपालन, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके घर में गाय हो तो ही आप गोपालक कहलाते हो। हमारे राम भाई से आपको प्रेरणा मिलेगी कि उन्होंने घर में अभी 60 गाय रखी है और वो गोपालन के साथ बाहर जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विचार जो देश और दुनिया के सामने रखते हैं, वो भी एक गौ सेवा है। कई लोगों को उन्होंने, लाखों लोगों को मोटिवेशन दिया है, लाखों लोगों को मार्केटिंग का बेस दिया है, लाखों लोगों को गोपालन के लिए प्रेरित किया है, लाखों किसानों की समस्याओं का समाधान करवाया है। तो ऐसी इतनी छोटी उम्र में एक व्यक्ति क्या कर सकता है, उसका स्पष्ट उदाहरण है हमारे राम भाई। तो दोस्तों, आप भी कर सकते हैं, कहीं से भी जुड़ सकते हैं, किसी भी कार्य को लेकर जुड़ सकते हैं। गोपालन नहीं होगा तो मनुष्य समाज का अस्तित्व पे खतरा रहेगा। यदि कृषि नहीं रहेगी तो मानव समाज के अस्तित्व के ऊपर खतरा रहेगा। दुनिया कितनी भी डिजिटल हो जाए, 2G, 4G, 10G, 11, 20G, लेकिन खाना तो खेत में ही बनेगा। दूध, दही, घी, छाछ मात्र गाय के थन में ही बनेगा। बाकी सारी बातें आप 50 करोड़ का लैपटॉप, कंप्यूटर, सीरीज सिस्टम, सर्वर घर में लाके रख दो, लेकिन खाना तो मिट्टी में ही पकेगा। तो गाय और मिट्टी हमारे सभ्य समाज का प्रथम अंग है, प्रथम मूलभूत जरूरत है, उसके बिना हम आगे नहीं चल सकते। उसमें भी आप ऐसे राम भाई जैसे लोगों की वीडियो देख के, उसको शेयर करके और भी आप अपने काम को मजबूत कर सकते हो। यदि आपको इस वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। वंदे को मातरम, भारत माता की जय।